So talk about L.H. Morgan, 1880 to 1881. So is Louis Henry Morgan, L.H. Morgan. So he was from the New York, USA, Louis Henry Morgan. So in the 19th century scholar who developed evolutionary approach and he pioneered the comparative study of the culture. Comparative study of culture is started by Louis Henry Morgan. Kahan se tha? America, New York, America. 1818 to 1881. Literary contribution ke League of Iroquois, 1851. System of Consanguinity, Affinity in the Human Family, 1870. Asian Society, 1877. House and House Life of American Aboriginals, in 1881. And he elaborated the work, Asian Society, 1877. He elaborated the work of E.B. Tyler. But consanguinity, a relationship that has occurred with the bloodline, affinity, a relationship that has occurred before because of marriage. This is affinity, consanguinity, bloodline ki wajah se, and affinity, marriage ki wajah se jo aati hai, relationship, affection hota hai na marriage partners mein. To yahan pe marriage bhi hai, affinity and brother hai, matlab blood relation, ise bolte hai consanguinity, consanguous marriage, matlab blood relation mein marriage. So data collection start with the beginning of field work, questionnaires and comparative method. तो कल्चर हिस्ट्री पिक्चर गिवन बाय मॉर्गन. मॉर्गन ने क्या बताया? पीरियड बताया, सब पीरियड, टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, मैरिज एंड किनशिप टर्मोलॉजीज. यहाँ पे एलएच मॉर्गन ने किनशिप टर्मोलॉजीज भी बताई. फॉर एग्जांपल सेवेजरी, बार्बर एंड सिविलाइजेशन, ये टायलर ने भी बताया था. फिर सब पीरियड यहाँ पे फर्दर डिवाइड कर दिया इन्होंने. जैसे यहाँ पे सेवेजरी में अपर एंड मिडिल एंड लोअर सेवेजरी, बार्बरिज्म में अपर मिडिल एंड लोअर बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन को वैसे ही रखा. फिर टेक्नोलॉजी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नेट, पहले तो ये कलेक्शन था, तो यहाँ पे फिशिंग, फिर बो एंड एरो फिशिंग, फायर, स्पीच, फ्रूट एंड नट, फ्रूट एंड नट कलेक्शन. फिर यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल, पोट्री स्टार्ट हुई. आयरन डिस्कवरी होगी अपर में. फिर सिविलाइजेशन में राइटिंग आई. फिर यहाँ पे पॉलिटी की अगर देखो तो यहाँ पे था बैंड हॉर्ड, यहाँ पे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन एंड देन चीफडम स्टेट. यहाँ पे पहले बैंड हॉर्ड में रहते थे, झुंड में एक तरीके से. यहाँ पे था प्रिमिटिव प्रोस्मिकिसिटी, यहाँ पे क्या था, पेयरिंग, ग्रुप मैरिजेस, फिर पॉलीगेमी आया, देन मोनोगेमी. फिर यहाँ पे अगर किनशिप टर्मोलॉजी देखें तो यहाँ पे क्लासिफिकेटरी थी, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव. सो इज ट्राइंग टू कंपेयर मेन स्ट्रीम अमेरिकन सोसाइटी टू द इरोक्वाइज इंडियंस. तो एल एच मॉर्गन ने इरोक्वाइज इंडियंस के साथ कंपेयर किया था. ही इनिशिएटेड द किनशिप स्टडी इन अ बिग वे. एंथ्रोपोलॉजी में किनशिप स्टडी किसने स्टार्ट की थी? एल एच मॉर्गन ने. सो एल एच मॉर्गन ने स्टार्ट किया था किनशिप स्टडीज. सो इरोक्वाइज ट्राइब कहाँ पे? लेक ओंटारियो, मोहॉक रिवर, न्यूयॉर्क में रहते हैं इरोक्वाइज. तो एल एच मॉर्गन भी इरोक्वाइज स्टेट से है. तो एल एच मॉर्गन वहाँ पे न्यूयॉर्क स्टेट से, वहीं पर रहते थे इरोक्वाइज. तो उन्हीं को कंपेयर किया. ही कंपेयर द मेन स्ट्रीम अमेरिकन सोसाइटी टू इरोक्वाइज इंडियन. ही इनिशिएटेड द किनशिप स्टडी इन अ बिग वे इन एंथ्रोपोलॉजी. अकॉर्डिंग टू मॉर्गन देर वॉज अ मूवमेंट फ्रॉम द क्लासिफिकेटरी टर्मोलॉजी सिस्टम टू डिस्क्रिप्टिव टर्मोलॉजी सिस्टम. किनशिप, हाउ वन इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू वन अदर आइदर थ्रू मैरिज और ब्लड लाइन. सो किनशिप टर्मोलॉजी अगर बात करें, तम दैट किनशिप ट्राइब्स टू कॉल और एड्रेस अदर किन्समैन. तो क्लासिफिकेटरी होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है. क्लासिफिकेटरी में क्या होता है? सेवरल ग्रुप्स ऑफ किन्समैन आर प्लेस्ड अंडर सेम किनशिप टर्म, ऑल्सो कॉल्ड लंपिंग ऑफ द किन्समैन और बंचिंग देम. फॉर एग्जाम्पल आंट, अंकल, कजिन, ये होता है क्लासिफिकेटरी. डिस्क्रिप्टिव फॉर एवरी इंडिविजुअल देर इज अ स्पेसिफिक किनशिप टर्म. डू डिस्क्रिप्टिव में हर एक के लिए एक स्पेसिफिक टर्म होता है डिस्क्रिप्टिव. तो पहले था क्लासिफिकेटिव, डिस्क्रिप्टिव कि हर एक के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ हो रहा है डिस्क्राइब करने के लिए. सो डिस्क्रिप्टिव फॉर एवरी इंडिविजुअल देर इज अ स्पेसिफिक किनशिप टर्म यूज. सो अकॉर्डिंग टू एल एच मॉर्गन ऑल द सोसाइटीज हैव मूव फ्रॉम क्लासिफिकेटरी टू डिस्क्रिप्टिव टर्मोलॉजी. जैसे कजिन हो गया, सुंदानीज, यहाँ पे स्पेसिफिक किनशिप टर्म है. तो देयर सम आर फिक्शीशियस रिलेशनशिप लाइक राखी ब्रदर, दूध वाले भैया, दीज आर नॉट नेचुरल रिलेशनशिप. इन दिस प्रोसेस द ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्टिव किनशिप टर्म्स आर गेटिंग लॉस्ट इन द क्लासिफिकेटरी सिस्टम. इंडियन सोसाइटी मैन ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड वी सी दैट देर इज मोर इंडिविजुअलिज्म ओपनिंग अप न्यूक्लियर फैमिली. इन इंडियन सोसाइटी मोर over across the world we see there is a more of individualism opening coming up, that nuclear family. If we believe that America of his time moving from classificatory to descriptive kinship terminology, this cannot be valid for across all the society of the world of that time. Changing importance of the kinship in anthropology is a study how kinship has changed, whether kinship has remained an area of intense interest for anthropologists to make it very significant aspect of cultural studies.
anthropologists are critical of managing placing bow and arrow above the fishing and fire are critical of they are critical of Morgans. Morgan ने क्या क्या place किया bow and arrow को fishing and fire से ऊपर रखा bow and arrow को. तो पहले fish bow and arrow आएगा बाद में fishing and fire आएगा. तो इसने क्या किया है hunter and food gatherer को represent कर रहा है bow and arrow. Fishing fire ठीक है according to archaeologists this state came later. लेकिन Morgan ने इसको पहले रखा है इसको ओके पहले फिशिंग एंड फायर को रखा है फिर बो एंड एरो को रखा है. लेकिन अगर आर्कियोलॉजिस्ट को देखें तो फिशिंग एंड फायर बाद में आए हैं. तो उन्होंने बताया हंटिंग एंड गैदरिंग फिर फिशिंग आया फिर फेस्टिवल फिर हॉर्टिकल्चर प्रिमिटिव एग्रीकल्चर स्लैश एंड वर्ड एग्रीकल्चर फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्री आई. तो फॉर फूड कलेक्टिव इकोनॉमी से बने हम फूड प्रोडक्शन इकोनॉमीज. सो देयर इज अ इमर्जेंस ऑफ सरप्लस प्रॉफिट ओरिएंटेशन इंडिविजुअलिज्म इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन किनशिप एंटिटी बिकमिंग मोर देन किनशिप एंटिटी. So, non-kinship entity become more important than kinship entity. Pottery should come later to domestication of the plants and animal. Civilization characteristic are like urban cultures, highly populous entities. Writing script. So, like civilization characteristic are urban cultures, highly populous entities. Writing script is signature characteristic. Writing script आ जाते हैं. Indus Valley civilization, Bronze Age. Protohistory that is script are not deciphered yet. Bronze came first then iron. The place of writing in iron as Morgan description is incorrect. Writing in iron को लिखना Morgan description पे incorrect है कि iron पहले writing बाद में जबकि iron के साथ ही writing आ गई थी. So the thus mistake of the Morgan description were corrected by Gordon Child. तो Gordon Child the new evolutionist थे. He bought evolutionary chart in the line with the archaeological evidences. तो archaeological evidences के हिसाब से Gordon Child ने correct किया सब कुछ. तो Gordon Child is a V. Gordon Child. So V. Gordon Child, he was a new evolutionist. He bought evolutionary chart in line with the archaeological evidences. Morgan ki jo writing thi usme kamiyan thi. So Australian archaeologist the. Rather UK mein rehte lekin Australian archaeologist the V. Gordon Child. Was born in Sydney, Australia. So marriage ki baat kare to mainstream American society believe that monogamy is the highest form of the marriage but there are there is a thing emerging after monogamy. There is a modern promiscuity is emerging. This phenomenon is observed by neo evolutionists people. Neo evolutionist cause parabolic evolution. Neo evolutionist ka matlab parabolic ho raha hai. To Morgan ne iske bare mein baat nahi ki. That is pehle kya tha promiscuous sexual relationship. Theek hai. Now deficit. Now there is a definite to sexual partners. Now there is a sex freedom. In context of political institution, evolution of political institution, movement from band से tribe से chiefdom to state. तो band क्या होता है a close knit kinship group. तो bound together by strong relationship. Practicing foraging means hunting and gathering. Foraging. Foraging हो गया gathering. तो act of gathering wild food for free. इसे बोलते हैं foraging. Practicing foraging for almost always nomadic. In earlier times political economic institution could not be kept apart. They were merging into one another. So political economic institution could not be set apart. They were merging into one another. Definite political economic institution are not time. They were clubbed together. So definite political economic institution were not there. They were clubbed together. This is a tribe. Second level of political organization. तो नॉन सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम पावर अथॉरिटी यूज बाई ओन और फ्यू पीपल अलोन. फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका अगर हम बात करें अफगानिस्तान की अथॉरिटी डिस्पर्स्ड एवरी मेम्बर इन द कम्युनिटी यील्ड्स द अथॉरिटी टू द ट्राइबल. नॉन सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम तो सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम में वन ऑफ यू इंडिविजुअल एट द टॉप होल्ड्स द पावर. इन इवोल्यूशनरी प्रोसेस मोर इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर चेंजिंग टू नॉन इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर. क्रिटिक ऑफ क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म तो क्रिटिकली एनालाइज अ क्लासिकल इवोल्यूशन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्रिटिक एंड पॉजिटिव साइड्स. यूनिलेरिटी इट इज कैरेक्टराइज बाई स्टीवर्ट. यूनिलेनियरिटी इसे क्रिटिसाइज किया था स्टीवर्ट ने. सीट फॉर द क्रिटिसिज्म वर लेट डाउन बाई द फ्राइज बुआज हिमसेल्फ. फ्रांस बुआज ने क्रिटिसाइज किया था यूनिलेनियरिज्म को. सो इज अ फ्रांस बुआज जर्मन बॉर्न अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो इज अ जूलियन स्टीवाज ही वॉज अ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. He known for vastly developing the concept of methodological ecology and scientific theory of culture change.
we talk about categorize evolutionism as classical evolutionism and neo-evolutionism. So unilinearity is criticized by Stewart, Julian Stewart, and seat for criticism was laid down by Franz Boas. He was a German-American anthropologist. Boas belonged to historical particularism, that is specific to a particular culture, historical particularism. So in classical evolutionism, all the human society evolved through the same evolutionary sequence that cannot happen according to neo-evolutionists. Because every culture society have their own different situation, no two cultures can have the same environment of economy and polity, because of which same evolutionary sequence cannot coexist, cannot exist. And unilinearity, that is unilinearity neglects the diversity across the culture. It tries to put all the culture in the same basket, which is not true. One of the objectives of anthropology is to study culture with their distinctive feature.